हेलो दूल्हे राजा, शर्मा रहे हैं दूल्हे राजा। तो यहाँ पे चल रही है अभी हल्दी। तो इनका ना जो पुराना मकान है वो ये है, तो यहाँ पे अभी ये हल्दी लगा रहे हैं। सुबह का टाइम है तो मैं जा रही थी गौशाला, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। तो अभी मैं जा रही हूँ गौशाला। तो आज है शादी, कल मेहंदी थी और आज शादी है। बाकी यहाँ पे मेरे गाँव का खूबसूरत सा सुबह सुबह का नज़ारा। और यहाँ पे ना मैं रेखा दी के घर पे आ रही थी, गौशाला जा रही थी, तो यहाँ पे ये लोग हल्दी लगा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। क्योंकि 9 बज रही है और मैं जा रही हूँ अभी गौशाला। और आज का मौसम भी देखिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, गुमसुम सा हो रखा है, चारों तरफ ना बादल लगे हुए हैं। मैं आज ना बारिश ना आ जाए, वैसे तो बारिश नहीं आनी चाहिए थी। मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ गौशाला। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमानी की, आप सभी का स्वागत है मेरे इन खूबसूरत से पहाड़ों में। जैसे कि कल आपने वीडियो में देखा होगा, हमारे गांव में थी मेहंदी और आज है शादी। मतलब आज भी बारात जाएगी कहाँ, केदार घाटी का जो देवर गांव है ना, जहाँ पे आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा, हमने पहले वाली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, वहाँ पे गए थे हम दियूर गांव में, जो कि गुप्तिकाशी में पड़ता है। तो आज भी ना बारात वहीं जा रही है, मतलब नई दुल्हन जो है वो वहीं से आने वाली है। बारात में जा पाते हैं या नहीं जाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, अगर जाएंगे तो। यहाँ पे आजकल ना लोग लगे हुए हैं खेतों में हल लगाने पे, और आजकल यहाँ पे ना धान कर रहे हैं। तो इस तरह से मौसम देखो कितना गुमसुम हो रखा है, चारों तरफ अंधेरा हो रखा है। तो पहुंच चुकी हूं गौशाला में, और यहां पे आने के बाद मैंने बाल्टी पे पानी लाई हूं गदेरे से, और यहां पे मैं अपनी बच्चिया को पानी पिला रही हूं। बाकी आजकल यहां पे हमारी गौशाले में ये बैल किसके हैं बताओ तो, किसके हैं, हमने नए बैल खरीद लिए हैं। तो ये हैं रेखा दी लोगों के बैल, हम भी ना इन्हीं बैलों से इस साल हल लगा रहे हैं। और इनके गौशाला में आजकल बस जगह नहीं है, तो इन्होंने हमारी ही गौशाला में बैलों को बांध रखा है, और साथ में हम भी हल लगाते हैं। तो अभी मेरी बच्चिया पानी पी रही है, और आज मैं अपनी बच्चिया को सुबह ही पानी पिला रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं शादी में जा सकती हूँ बारात में दूर गाँव। चलिए फटाफट से मैं गौशाला का काम निपटा देती हूँ, और फिर अगर जाएंगे तो जल्दी जल्दी तैयार भी होना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हो चुका है 12:15 बजे का टाइम, और बारात आ चुकी है रोड में। सभी लोग यहाँ पे तैयार होके रोड में आ गए हैं, बाराती भी गाड़ी में बैठ गए हैं, और इधर कुछ गाड़ियाँ इधर पे, और ना दूल्हे की गाड़ी तो शायद चली गई है। तो ये रहे सभी। तो यहाँ पे अभी सभी बाराती तैयार हो गए हैं, रोड में आ गए हैं। दूल्हे गाड़ी चली, अच्छा तो दूल्हे की गाड़ी आगे चली गई है, और कुछ ऊपर में आ रहे हैं अभी तैयार होके, कुछ इधर बैठ रहे हैं गाड़ी में। और मैं ना अपनी शक्ल अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये रहा मेरा साड़ी वाला लुक। तो कैसी लग रही हूँ मैं ज़रूर कमेंट करके बताना। इस तरह शादी ब्याह में ही हम साड़ियाँ पहनते हैं, वरना घर में तो सूट ही पहनते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ रजनी दीदी और रेखा दीदी बैठ रखे हैं, और रेखा दीदी को देखो भाई कैमरे की तरफ नहीं देख रही है, हेलो हाई भी नहीं कर रही है, क्योंकि ना गाड़ी में बैठते ही हमारी ना थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं कुंड में, और यहाँ पे हम जा रहे हैं चुन्नी वाले रोड से। तो लेकिन यहाँ पे रोड ना बुरी हालत हो रही है, तो यहाँ पे लगा हुआ है जाम, जो कि हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई रोड में तो पानी आ रही है, रोड इस तरह से हो रही है, तो आगे लगा हुआ है जाम। हम यहाँ पे कर रहे हैं वेट, बाकी और दूसरी गाड़ी में बैठ गए हैं, कुछ चले गए कुछ यहाँ पीछे से आ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे सीधे दूर गाँव में जाके, क्योंकि गाड़ी में ना थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब भी हो रही है। 1:30 बजे का टाइम हो चुका है, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं देवर गाँव में, और यहाँ रोड पे आ रखे हैं सभी बाराती लोग, गाड़ी सभी गाड़ियाँ आ चुकी हैं बारात की। बाकी ये रहे बाराती, आज हमारी रजनी दीदी भी आ रखी है दीदी।
और ये हमारी सबसे बड़ी वाली जेठानी बैठी है। और आज ना मौसम देखो हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। यहाँ पे हमारी प्रधान दीदी जी और इधर सारे लोग, हेलो। और यहाँ पे दूल्हे राजा, हाय, शादी की बहुत बहुत बधाई। हम देखो डेली कैसा लग रहा है आज दूल्हे राजा बनके? अच्छा लग रहा है। अपना बेटा क्या लगेगा बेटे के शादी में? हमारा बेटा। और इधर ना उखीमठ का खूबसूरत सा बाजार। बाकी मौसम देखिए, काले काले बादल लगे हुए हैं और ना घोड़े खच्चर आ रखे हैं बाराती दूल्हे राजा और लोगों को लेने के लिए। और यहाँ पे सभी अभी सभी का इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ ऊपर में बैंड पार्टी वाले भी रेडी हो रखे हैं। और पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको देवर गांव दिखाया था और आज फिर से मैं यहां पे आ गई हूं। इसी जगह पे रुके हुए हैं हम जहां पे पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। बाकी यहां से मेरे मायके का खूबसूरत सा व्यू और हिमालय पर्वत देख, बर्फीली चोटियां एकदम बर्फ से ढकी हुई और इधर थोड़ा थोड़ा धूप लगी हुई है मेरे मायके साइड में। बाकी इधर उधर का खूबसूरत सा नज़ारा आपने पहले की वीडियो में भी देखा और अभी भी देख लीजिए। तो गाइस फिर से आज इसी गांव में आ गए हैं, दियोर गांव में, जहां पे हम पहली वाली वीडियो में देखा होगा एक महीने पहले आए थे। और उसी रास्ते से अभी जा रहे हैं इधर ये आगे। तो आज देखते हैं आज कहां पे जाना होगा। उस दिन तो यहां यहीं पे जा रहे थे हम आज। ए बॉडी बेटिया जी, बॉडी जी यहाँ गौशाला में आ रखी है। प्यार दे बस तेरा नाम ले। और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बाकी ना जयमाला नीचे इस साइड हो रही थी और खाना खाने के लिए यहाँ ऊपर जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं ये खाना खाने के लिए। और मैं भी पीछे पीछे से, बहुत भूख भी लग गई है भाई।
पे हमने खाना भी खा लिया है और यहाँ पे हमको मौसी जी मिले हैं, आरती दीदी की मौसी जी। हेलो मौसी। बाय। हेलो। वो दीदी ने बोला था कि मेरी मौसी से भी जरूर मिलना, तो अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे दीदी तो ये देखो आपकी मौसी से मिल गई। आप अपनी बेटी को अब लोड़ी तक कुछ मान जाना ठीक है और बेटा ठीक है ठीक है आरती जी। हाँ जी चला था ठीक है। ये हमारे प्यारे नाना इसका मायका हमारे गांव में है पापन, तो यहाँ पे मिल गई। हेलो ये छोटा बाय। अभी हम खाना भी खा लिया है और अभी हम चाय पीने आ गए हैं अपनी नई होने वाली देवरानी के मायके में। ये दीदी अपनी देवरानी के मायके में पहले ही चाय पी रही है। तो यहाँ अंदर में ना भाभी जी लोग बना रहे हैं हमारे लिए चाय। हेलो भाभी। हाय करो। दीदी बनो अभी ये ना ये आरती वहाँ के हैं आरती दीदी के मायके के आरती रावत स्यूर स्यूर है ना आपका मायका। तो अगर आप आरती दीदी अगर इनको पहचानती है तो जरूर कमेंट में बताना। तुम तो पहचान रहे वाले आरती दीदी। अच्छा भतीजी। अच्छा मैं ओ, और ये रजनी दीदी की भाभी हैं पुपू बुआर पुपू बुआर। तो ये भाभी जी हमको चाय बना रही हैं अभी और हम चाय पीने के बाद जाएंगे घर। है ये है नई नवेली दुल्हन का मायका है ना। अच्छा यहाँ तो शादी तो ऊपर में हो रही है पर यहाँ पे घर है मैं खाली हूँ। अभी मैं घर में आ चुकी हूँ और घर में आने के बाद मैंने चेंज कर दिया है। फिर अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो रोटी कहाँ पे बन रही है पता? रोटी बन रही है सीधे यहाँ ऊपर इन खेतों में जहाँ पे अभी ना कुछ लोग बना रहे हैं रोटी और शादी ना इधर हो रही है। लेकिन इस साइड ना खेत आजकल खाली हैं तो इसलिए इस साइड आजकल खाना बनाना पड़ रहा है क्योंकि इस साइड यहाँ पे बना रहे हैं दीदी लोग रोटियाँ। हेलो। हेलो। बारात में की लेनी है तुम? यहाँ पे ये कोई बारात में नहीं आ रहे थे। हम तो गाल देनी चाहती होना की रोड बोड़नी है सभी और तो नहीं दे रहे थे बोले हमको गाली वाले खुश हो रहे थे बल्कि इतनी देर में आ रहे हैं अच्छा काम किया। आप दुल्हन पचमू ऊनी छे नहीं पचमू दिए जरवार में दिए दुल्हन वा। तो अभी कुछ लोग यहाँ पे और कुछ ने तो यहाँ पे बना के आग भी बुझा दी यहाँ पे भी आग बुझा दी और ये हमको मन ही मन में गाली दे रहे हैं हमको। तुम आए नहीं बरात में तो हम उन भी क्या खो था हम उन तो जाने जो तुम बांटो भी है कुछ यहाँ पे ये इधर हाय सकिले इच्छा आठ हुई मुर रही हूँ यदि बरात में किले नहीं है लो ये मेरे बड़ोला बड़ोला ताना कुछ नहीं धन्यवाद। कितनी अभी हम आए अभी हमने इतनी रोटी बना ली बनाई होगी सच्ची ये सबसे ज्यादा मैंने बनाई मैं भी यहीं पे बनाऊं पतला लाई लोस लोस के मैं भी यहीं पे बनाऊं मैं कहाँ पे बनाऊं पतला लाई खकुर खकुर के तो ठीक है हम भी अभी